हमारा जो आज का इरादा है वो है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर। अभी हम हरूनाबाद रोड वाली साइड से जा रहे हैं, तो अभी हम बहावन नगर से निकले हैं और बहावन नगर से हरूनाबाद साइड है, इस पर से हम विज़िट कर रहे हैं। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको सर दाई, ये आप देख सकते हैं। ये बनाते हैं इससे, यार ये क्या क्या चीज़ें बनाते हो आप? इलायची, सौंफ, जीरा, चारे मगज, बादाम, चीनी। इलायची और बगैर चीनी के जिसने पीनी हो वो सादी बना देते हैं, चीनी से बगैर। अच्छा, वो सादी बना देते हैं, तो ये ठीक रहती है? ये हाँ बहुत अच्छी है। पहले तो हाथों से नहीं बनाते थे ये? हाँ जी, पहले हाथों से बनाते थे, हम मशीनें वाले दौर मशीनें बनाते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो इधर ये किधर की लोकेशन है आपकी? ये अगर कोई बामलगर की लोकेशन है। तो ये कौन सा रोड है? ये बामलगर का रोड है, रूनाबाद रोड जा रहा है, चीचा रोड बामलगर। तो भाई जिस भाई ने आकर इधर ये पी नहीं हो तो वो भाई आकर इधर पी सकता है। ले जी नाजरीन, हम पहुँच गए हैं अब कौन सा है जी ये गाँव, ढाबा। भाई अभी हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है, अभी शहर से हम आ गए हैं देहात वाली साइड पर, और देहात वाली साइड से अभी हम देखते हैं जी हमने किधर किधर जाना है। और इंडिया का जो बॉर्डर है वो बहावन नगर से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है, और आपको दिखाते हैं, विज़िट करवाते हैं बॉर्डर का। और ये देख सकते हैं गंदम की जो फसल है उसको हाथ लग गए हैं, यानी कटाई शुरू हो गई है और मार्केट में आ भी गई है। तो जी गाइस, ये हम पहुंच गए हैं नहर पर, इससे अगला जो रूट है हमारा वो है बॉर्डर का, और देखते हैं कि आगे हमारे साथ क्या हालात बनते हैं। और सामने मैं आपको दिखा दूँ, ये आम का बाग लगा हुआ है, और ये जो नहर है ये निकल रही है हेड सुलेमान की से, और ये आप देख सकते हैं। तो जी ये हम आ गए हैं मलक नहर पर, और आगे हम जा रहे हैं बॉर्डर पर, तो इससे थोड़ा सा ही फासला रह गया है, इतना लंबा सफ़र नहीं है लेकिन फिर भी कच्चा रास्ता है। ये नहर जो है ये बहुत ही बड़ी नहर है, और ये हेड सुलेमान की से निकलती है और आगे ये मेरा ख़याल मरोड़ तक जाती है, तो इससे भी कई नहरें निकलती हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं जी आप, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं बॉर्डर के नज़दीक, इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस पर पहुँचने वाले हैं। और अभी हम ये नहर पर हैं, ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये मलक नहर इसका नाम है, और जो सामने है वो गांव वगैरह हैं, देहात हैं, और जो इधर का व्यू है वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए जी, ये मलक नहर आ गई है, इधर लोग गंदम शंदम और चीज़ें अभी कटाई हो रही है, ये देखिए ये लोग काट भी रहे हैं गंदम भी और चीज़ें भी, और बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, माहौल है, चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह जी आपको मज़ा आएगा, इंजॉय कीजिए और लाइक लाजमी कीजिएगा, और इंशाल्लाह आपको इसी तरह की हिस्टोरिकल जो जगहें हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपको दिखाते रहेंगे। तो जी भाई हम आ गए हैं इंडिया के बॉर्डर पे, और आपको लेकर चलते हैं बॉर्डर पे और दिखाते हैं, इधर बॉर्डर एरिया है, ये सामने ही बिल्कुल बॉर्डर है, और दिखाते हैं आपको। तो ये हमने अभी गांव क्रॉस किया है, और आपको इंडिया इंडो पाक का बॉर्डर भी चेक करवाते हैं और दिखाते हैं।
जी भाई, ये हम आ गए हैं इधर इंडिया के पाकिस्तान के बॉर्डर पर, और अभी हमने विज़िट किया, आपको थोड़ी सी वीडियो भी बनाई है। भोजन अलाउ तो नहीं किया था, लेकिन हमने चोरी छुपके वीडियो थोड़ी सी बना ली है। चलो देखते हैं जी, बाकी आपको लेकर चलते हैं। अगर कोई और थोड़ा सा हमें बॉर्डर का कोई वीडियो बनाने का मौका मिला तो ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो भाईजान यकीनन आपको मज़ा आ रहा होगा, दोनों भाइयों ने आज पहला विज़िट किया इकट्ठे मिलकर, आपने और मैंने, और अभी हम कोई हमारा फर्स्ट टूर चक्करों में हैं। हम जा सकते हैं उत्तर तक। तो नाज़रीन, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये बॉर्डर ही है ये सारा, और जो टावर आपको नज़र आ रहा है वो भी इंडिया में है, और ये हम बहावल नगर से इधर आए हैं, अभी हमने विज़िट किया, आगे जाते हैं। हावल नगर से ये बॉर्डर है, ये आप देख सकते हैं मेरे सामने जो आपको ये लाइटें और बाकी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये बॉर्डर का ही हिस्सा है। इससे इस तार से आगे इंडिया शुरू हो जाता है, तो ये आप देख सकते हैं भाई। इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी, पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलें देखते हैं, आगे जाते हैं, थोड़ा सा आपको और विज़िट करवाते हैं और देखते हैं। गर्मी भी बहुत है, तो इंडिया पाकिस्तान का ये जो बॉर्डर है ये फ्रेंडली होना चाहिए, हमारी तो ख्वाहिश है, बाकी तो मामला तो आपको पता ही हैं। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको इसमें बॉर्डर भी दिखाते हैं। ये आखिरी हदूद है, ज़ीरो लाइन है ये, वो सामने बिल्कुल जो आप देख रहे हैं वो बॉर्डर है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ घुमा कर। ये हमारी फसलें हैं पाकिस्तान की, वो जो लाइट और चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारा बॉर्डर का हिस्सा है इंडिया, ये आप देख सकते हैं, ये देखें ये सारा आपको ये बॉर्डर ज़रा पीछे कहीं से अंदर, अब सीधी लाइन नहीं है, कहीं से बॉर्डर आगे आ जाता है, कहीं से पीछे चला जाता है, तो ये आप देख सकते हैं। ये सामने इंडिया की चौकी भी नज़र आ रही होगी आपको, तो ये बिल्कुल आखिरी गांव हैं, लोगों के खेत हैं, फसलें हैं। चलते हैं जी और देखते हैं, उम्मीद है आपको सब दोस्तों को, और कौन कौन इंडिया से कौन कौन भाई जो है वो इंडो पाक बॉर्डर को विज़िट कर चुका है ये भी लाजमी बताइएगा। ये मैं दिखाता हूँ, ये टावर है इस दरख्त के पीछे, और वो सामने जो लाइटें नज़र आ रही हैं वो इंडिया ही की हैं, ये सामने जो बाढ़ नज़र आ रही है वो भी इंडिया की है, और ये हमारी फसलें वो। ये नाज़रीन हम आ गए हैं मोर्चे में, और सामने जो आपको दिखा रहे हैं वो है इंडिया का बॉर्डर, और ये देखिए जी ये है मोर्चा आम रुख, और ये चीज़ें देख सकते हैं आप, ठीक है, ये मोर्चा है जी पाकिस्तान का, इधर से जंग के दिनों में जिसको इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको इसका दिखाते हैं, हमारे फौजी जवान इस मोर्चे में, इसका दरवाज़ा है ताकि कोई पीछे से हमला ना कर दे, ये देख सकते हैं जी आप। I'm not afraid to die.
चौधरी दोस्तों अपने भाई राव आमिर को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो जी दोस्तों, हमने बॉर्डर का विज़िट कर लिया है और हम अब आ गए हैं फतेहकोट। फतेहकोट से अब हम जा रहे हैं बहावन नगर सिटी।